बोल हरी हरी बोल, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी जी की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो कल मैंने आपके साथ में अपनी शरद पूर्णिमा की जो शॉपिंग हॉल शेयर करी वो की अपने लड्डू लाडो कन्हैया केशव कान्हा किशोरी लाडली की। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट शॉपिंग तो रही गई है और वो है मेरे गोपालू की, मेरे गोपाला की शॉपिंग हॉल, जो कि मैंने ये अपनी लोकल मार्केट से ही सब पोशाक और सब कुछ लिया है। और मैं आपको बताऊं, ये पोशाक में भी बहुत बड़ी लीला छुपी हुई है। तो पहले दर्शन कर लीजिए मेरे गोपू की पोशाक की। हरी बोल हरी हरी बोल। तो जी ये देखिए, ये 10 नंबर की पोशाक मेरे गोपू की आती है, ये 10 नंबर की पोशाक है। और इस बार मैं आपके साथ पॉसिबल होगा तो शेयर करूंगी, क्योंकि मैं सबका जो श्रृंगार का वीडियो होता है वो मैं शेयर कर लेती हूँ, लेकिन मेरे गोपू जो है वो अपने श्रृंगार का वीडियो जल्द शेयर होने नहीं देते हैं। कभी मेरे कैमरे में कुछ ऐसा हो जाता है, या फ़ोन में मेरे ऐसा हो जाता है, या कभी मेरे दिमाग में ही नहीं आया जब इस बार मैंने उनका श्रृंगार करना शुरू किया, क्योंकि मैं खुद ही इतनी लीन हो गई मेरे भैया के श्रृंगार में। तो देखिए ये 10 नंबर की पोशाक है, और इसको मैं यहाँ से जो है ये जो इसकी सिलाई है ना, इसको मैं हटा देती हूँ। ये मैं आपके साथ में शेयर करूँगी इस बार, ये यहाँ की सिलाई हट जाती है और यहाँ पे मैं तुरपन करके उनको पहनाती हूँ, और ये जो है ये उनको ऊपर से मैं पहनाती हूँ। तो ये मैं आपके से इस बार शेयर करूँगी। और मैं दिखाती हूँ मैं क्या लेकर के आई हूँ। और ये है इस पोशाक का पटुका, देखिए ये सारी ही चीज़ें मैंने, ये देखिए ये इस तरीके से कुछ पटुका आएगा जो कि ये आगे अपने हाथों में लेते हैं, ठीक है जी। और ये भी है, ये भी कुछ लेस है जिसका मैं क्या यूज़ करूँगी ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन ये इनकी कमर पे आएगी। तो ये मैं यहाँ रख देती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ मैं और क्या लेकर के आई हूँ। हाँ, और मैं इनका जो ये इनकी ज्वेलरी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, और ये जो ज्वेलरी है बहुत मैंने ढूंढा, बड़ी ही मुश्किलों से मुझे ये ज्वेलरी मिली है। कुछ इस तरीके की ज्वेलरी है, देखिए ये कुछ ऐसी ज्वेलरी आएगी, और ये बेहद सुंदर है। ये आपको सामने से ये देखिए, ये पूरी इस तरीके की ज्वेलरी है, और ये है इसके इयररिंग्स, ये देखिए कुछ इस तरीके की। और ये देखिए कितना ही सुंदर भैया का मेरे तिलक है। और ये जो तिलक है, अगर मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताऊं तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। ये देखिए, ये सबसे यूनिक भैया का मेरे तिलक मैं लेकर के आई हूँ, जो कि कुछ इस तरीके का है। तो ये पहनेंगे मेरे गोपू। और गोपू कब श्रृंगार करवाते हैं अभी मुझे कुछ नहीं पता है, गोपू कैसे श्रृंगार करवाते हैं मुझे कुछ नहीं पता। ये इसमें अगर आप सामने से देखोगे तो इसमें बहुत शाइनिंग है, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए पूरा ये भी जरकन के वर्क पे ही है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, भैया ने मुझे जरकन का वर्क पे भेजा है ना, आप देखो उससे इसकी शाइनिंग 19 ही लग रही है मुझे, लेकिन ये मुझे पूरा नग का ही जड़ाऊ का ही चाहिए था, मैंने कुछ ये लिया है। और बाकी जो है वो सारी अटैचमेंट्स हो गई हैं, ये है तो सब है जो मैं अपने गोपू के लिए लेकर के आई हूँ। और क्योंकि इस पर ऑलरेडी वर्क है देखिए, तो मैंने इस बार बड़ा ही हल्का, मैंने डबल लेयर का नहीं लिया है उनका गले का, अभी मैंने सिंपल लिया है। और बाकी पगड़ी का कैसे क्या करना है वो जब मैं गोपू को आपको तैयार करूँगी तो दिखाऊँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। हरी बोल हरी हरी बोल, राधे राधे जी। हरी बोलो हरी हरी बोलो।